सरदार जोरावर सिंह जी जो आप जी नाल सांझ करनगे शस्त्र विद्या दे प्रथाएं कुछ वडमुल्ले विचार। आओ इन्हां पासों सुनदे हां सरदार जोरावर सिंह जी दिल्ली तो। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। ये हफ्ता जो कि दरबार साहब ते अकाल तख्त साहब ते होए हमले भी शहीदां दी याद च मनाया जा रहा है। दुनिया के किसी भी कोने च बैठा सिख अज शहीदां नूं प्रणाम कर रहा है। साड़ी सारी टीम वालों भी शहीदां नूं कोटन कोट प्रणाम है जी। सिख मिशन हरियाणा, धर्म प्रचार कमेटी, श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी, श्री अमृतसर साहब वालों धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी के प्रकाश पुरब नूं समर्पित यह ऑनलाइन वैबीनार करवाया जा रहा है, जिस च सिक्खी के प्रचार प्रसार ते शस्त्र विद्या की महत्ता बारे दस्या जाऊगा, जो कि एक बहुत ही सलाघापूर्ण कारज है। मीरी पीरी के मालक साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के प्रकाश पुरब की आप सब नूं लख लख वधाई होवे जी। बाबा बुढ़ा जी पासों अखरी विद्या राजनीति शास्त्र ते शस्त्र विद्या लीती, भाई प्रागा जी तो ते जेता जी तो शस्त्र विद्या ते युद्ध नीति की सिखलाई लीती, भाई गंगा जी तो घुड़सफारी की सिक्ख्या लीती। मीरी पीरी की कृपाना धारण कर दस्तार ते कलगी सजा त्यार बर त्यार गद्दी ते विराजदे सी। गुरु साहिब जी ने एक फौज नूं दूजी फौज दे नाल किस तरीके नाल लड़ाई लड़नी है उस तरीके की ब्यौत बना के लड़ना सिखाया ते चार युद्धां नूं जित के ये चीज़ नूं हासिल किया। जुलम ते तख्त तो उच्चा अकाल तख्त साजिया दी सिरजना कीती, जिस दी सेवा बाबा बुढ़ा जी ते भाई गुरदास जी ने अपने हाथी कीती। गुरु साहिब जी ने शस्त्र दी सेवा सत्कार ते नित अभ्यास लई शस्त्र विद्या दे अखाड़े बनाए, जिस ते सिंह त्यार बर त्यार हो के योधे बन के निकलदे सी। शस्त्र विद्या दी सेवा दसवें गुरु साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे टाइम ते भी बहुत ही जंगी रूप धारण कर चुके सी, जिस नाल 14 जंगा जितियां। उस तो बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर, उन्हां तो बाद अनेक जरनैलां सिंघां सूरमा ने शस्त्र दे जोहर दिखाए, कंधार तो आगरे तक खालसा राज कायम किया। उस वक्त अभ्यास करन दा ते शस्त्रां दी सेवा करन दे तरीके भी बहुत ही निराले हुंदे सी। उस वक्त जिस वक्त कृपाना दी धारा लगदियां हुंदियां सीगियां ते धारा चैक करन दे लई कृपान दी धार दे उत्ते हथ नहीं लाया जांदा सी। उस धार नूं चैक करन दे लई कृपान दी धार वाला हिस्सा उपर करके रख दिता जांदा सी ते शहद दी एक बूंद उहदे उत्ते पा दित्ती जांदी सी ते शहद मिठा होण करके मक्खी या कोई भी इदां दा जीव जंत उड़ के जद उस कृपान ते आ के बहिंदा हुंदा सी ते जिद्दां ही कृपान ते बहिंदा सी ते दो फाड़ हो जांदा सीगा। ते तुसीं हिसाब ला सकदे हो कि वह कृपान जिहदी धारां इस तरीके दीआं लगदीआं होणगीआं जद उह दुश्मन दे टाकरे हुंदे सीगे ते उहनां दे किद्दां गाटे लांदे होणगे। अज वह इदा का बहुत इतिहास है साडा जिहड़ा शस्त्र विद्या दे नाल जुड़िया होया सी। अज वह इतिहास और वह शस्त्र विद्या ते वह अभ्यास करन दे तरीके साडे किते ना किते अलोप हो चुके ने ते अज साडी कौम जिथे एक पूरा शस्त्र विद्या दे नाल जुड़ के शस्त्रधारी होनी चाहिए। अज पूरी कौम दे अंदर साडे 1% सिंह ने जिहड़े शस्त्र विद्या दे अभ्यास करदे आ। असीं सारे पंथ नूं बेनती करदे आ कि जो जो भी सिख जिथे भी रहिंदा है जिथे भी शस्त्र विद्या सिखाई जाती है उत्थे शस्त्र विद्या जरूर सीखण। तेग सिख मार्शल आर्ट अकैडमी दिल्ली दे विच असीं इह सेवा करदे आ। 1990 तो यह सेवा चल रही है जी ते दिल्ली दे वख-वख इलाकियां दे विच इह सेवा करदे आ जी ते हर जगह ते जिथे भी शस्त्र विद्या दे नाल नाल कीर्तन ढाडी जथे कविश्री जथे जोड़े घर की सेवा पंजाबी सिखलाई की सेवा हर तरीके की सेवा की जाती है जी ते बेनती करदे आ जी हर बच्चा जिहड़ा भी सिख कौम दे नाल संबंध रखता वह ये शस्त्र विद्या जरूर सीखे। शस्त्र विद्या दे विच साडी अकैडमी दे एक बहुत वधिया रूल है जी, आप बच्चा सीखता जिस वेले वह शस्त्र विद्या सीखण लगता तो उन्हूं एक बेनती की जाती है जी आप सीखो ते नाल अपने 5 बच्चे होर जोड़ो। वह 5 बच्चे अगे जोड़ता है। इस तरीके नाल लड़ी बहुत वधिया चल रही है जी ते असीं बेनती करदे आ ते बहुत बहुत वधाई दिंदे उन्हां मापिआं नूं भी जिहड़े अपने बच्चों शस्त्र विद्या सिखाते हैं। कोई माड़ा बोल बोलिया होवे तो माफी चाहते हैं जी। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। सो संगत जी बड़े ही सुचजे ते बड़े ही सुंदर ढंग दे नाल सरदार जथेदार सरदार जोरावर सिंह जी दिल्ली तो साडे नाल विचार सांझे कर रहे सन। असीं तहे दिलों धन्नवाद करदे हां जथेदार जी दा।